16 दिसंबर को हुए दिल्ली में गैंगरेप की दूसरी बरसी पर निर्भया को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर एक अभियान के तहत लोगों को जगाने का काम किया गया है। वहीं डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुन रहा है न तू कैंपेन के जरिए दिल्ली सेक्स अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में वृंदा करात ने शिरकत की और कैंपेन की तारीफ भी की। ये जो रेप केस हुआ था, 2 साल हो चुके हैं, क्या लगता है कितने बदलाव हुए हैं अभी तक? औरतें आज खड़े होकर आवाज उठा रही है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। लेकिन जहां बदलाव बिल्कुल रत्ती भर का भी नहीं हुआ है, सरकार की मानसिकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, नीति, कोई सिफारिश करे उसको लागू करने की, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। और इसलिए सरकार की पॉलिटिकल जिम्मेदारी जो होती है उसको रेखांकित करके उसको लागू करने की पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। मैम, हमने देखा है कि आए दिन रेप होते हैं, कानून ऐसा बना है, बदलाव भी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि रेप होना बंद ही नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं हमारी भी आम आदमी की भी मानसिकता में बदलाव होना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप पर बदलाव तो अपने से ही शुरू होना। गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते रेप की वारदातों को रोकने के लिए यूथ ने इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने का जिम्मा अपने हाथों में लिया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।